नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हेलो नरेश नरेश भाई। हाय हाय, ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीले गुण से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। शराबी जीवन मेरा 13-14 साल का रहा। शराब ने मेरे को चारों खाने चित करके कहीं का नहीं छोड़ा था। शरीर से नहीं, आत्मा से नहीं, मन से नहीं, पारिवारिक क्या, सामाजिक क्या, आर्थिक क्या, काम धंधे वाई क्या, सब चीजों से मैं टूट गया था। सिर्फ एक जिंदा लाश था, एक शरीर कपकपा हुआ है। घर के लोग मौत की राह देख रहे थे मेरी, कि ये आज मरे, 3 दिन के बाद इसका तीसरा, चौथे दिन से शांति। इतना तांडव मैं अपने घर में मचा के रखा था दारू के वजह से। हसीन ईश्वर की कृपा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज किसी ए मेंबर के थ्रू मेरे भाई को मिला था, और मेरे भाई ने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिलाया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने तक ये बीमारी है, मेरे को ये नहीं मालूम था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोगों के अनुभव सुना और मैंने अपने आप की मान लिया कि मैं अल्कोहलिक हो गया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड में जाता हूँ, मैं कैसा अल्कोहलिक था, किस तरीके से मैं पी रहा था, कैसा मैं जी रहा था। तो ये बहुत बुरी अवस्था थी, वो जरूरी है मेरे को वो अवस्था को थोड़ा सा शेयर करना। मजे की खातिर शराब चालू की थी। मेरे मन में कभी विचार नहीं आया था कि मैं बेवड़ा बनूंगा। मेरे मन में कभी विचार नहीं आया था कि मैं 24 आवर्स शराब पीऊंगा। 24 आवर्स का मतलब है कि मैं सदा नशे में ही रहता था। मैं पैठिया भी 4 बजे भी दारू पिया हुआ आदमी हूँ, और दुकान खुलने की कभी कभी राह दिखता था, वो अल्कोहलिक। काम धंधा करने की आखिरी के दिनों में खत्म हो गया था। फिर वही घर में क्या बेच सकता हूँ, क्या चोर सकता हूँ, कहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ। और धीरे धीरे मैं सब घर का जो भी मेरा कीमती सामान था, वो सारा सामान बेचकर आखिरी को मैं एक अच्छा खासा, मेरा अपना दुकान था, 4 आदमी काम करते थे 5 आदमी काम करते थे, अच्छा बड़ा शॉप था, थोड़े से पैसे नहीं आते थे, पैसे हजारों से आते थे। और मैं बियर बार में जाके बैठना, जिसका पैसा दिया उसका काम नहीं करना, एडवांस ले लेना। और एक अल्कोहलिक के अंदर में टैलेंट रहता कि किसी के घर में किसी ने बुलाया कि भैया मेरे घर में काम है या मेरे को ये सामान बनवाना है, तो मैं उसको बिल्कुल अपना टैलेंट दिखाकर वो ऑर्डर ले लेता था। और एक उल्टी थिंकिंग थी कि इस पैसे में कितना प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के पहले पैसे की दारू पी जाता था। बाद में फिर ऐसा लगता कि कल कोई दूसरा ग्राहक आएगा, उसके पैसे में से इसको भरपाई कर देंगे, और फिर उसकी भी पी जाता था। ऐसे कई लोग मेरे घर पर सामान मांगने कि किसी का सामान बेच डाला हूँ, किसी का क्या क्या नहीं बेच डाला मैंने, मेरे को ही मालूम है। और घर में लोग चक्रे मारते थे, घर के लोग परेशान हो गए थे, घर के लोगों ने मेरा दुकान बंद करा दिए। बोर्ड, अच्छे बोर्ड थे, ग्लो साइन के अच्छे बोर्ड थे, वो निकाल ले दिए, घर दुकान को ताला लगवा दिए। और आए दिन घर में 2-4 लोग कर्जदार चक्रे मारते ही मारते थे। घर के लोग भी त्रस्त हो गए। मैं सुबेरे 6 बजे उठकर ही भग जाता था, क्योंकि कर्जदारों को सामना करने का मेरे पास में ताकत नहीं थी, मेरे अंदर में सामर्थ्य नहीं था, भग जाता था। घर के लोग बड़े त्रस्त हो गए, क्या करना कैसा करना, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश की, पूजा पाठ,
गंडा ताबीज बाबा मंदिर मस्जिद सारे प्रयत्न किए, कहीं पर भी उनको सफलता नहीं मिली, नर्वसनेस नहीं आया। अब ए में मेरे को मेरा एक मित्र, मेरा भाई का एक मित्र था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसका मित्र था वो, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य होने के लिए वो मेरे भाई का दोस्त था, वो जब जब देखो मेरे घर में आता था तब तक मैं औंधा ही पड़ा रहता था। एक तो मैं बहुत पीके रहता था या फिर मैं बुरी हालत में रहता था। वो बोलता था कि इसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके जाओ, बोलता था मेरे भाई को। मेरा भाई बोलता था नहीं, ये आदमी अभी कहीं पे भी जाके सुधरेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे प्रयत्न करके देखे थे, नहीं सुधरेगा, उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। पर वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य, उसको बड़ा विश्वास था अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे, वो विश्वास के बेस पर, वो भी बहुत जिद्दी था, यानी ऐसा बोलने जाएगा हरकत नहीं, वो नहीं, मेरे घर के लोग नहीं बोलते थे, और वो जब जब मेरे भाई को मिलता था तब तब उसको यही बात बोलता था कि उसको मीटिंग लेके जा, ये ठीक हो सकता है, पर मेरे घर के लोगों को क्या, मेरे मोहल्ले के लोगों को भी बोलेंगे कि भैया दारू छोड़ेगा या दारू से रोकेगा, तो विश्वास नहीं था। पर मेरे भाई ने एक दिन हिम्मत दिखाकर मेरे को बोला कि आज, वो दिन शनिवार का दिन था, आज तू मेरे साथ रहेगा दिन भर और कहीं नहीं जाएगा। वो जो दिन उन्होंने मेरे को साथ में रखा था, बंदी बना के बोलो चलेगा, पर साथ में रखा दिन भर, पर वो मेरे भाई की थोड़ी इज्जत करता था मैं, क्योंकि घर का करता था, बड़ा था, करता धरता था, बड़ी इज्जत करता था, इसलिए मैं कहीं गया नहीं, मैं देख रहा था आव डाव कुछ देखने की कोशिश कर रहा था अपनी आव डाव करने की, पर ऐसा कोई चांस नहीं मिला। और मैं वो मीटिंग, पहली मीटिंग इस ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, पायनियर ग्रुप का, वहां मेरे को पहली बार लेके गए थे। और वो मीटिंग में जब मैं लोग, 50 लोग बैठे थे, सबके कपड़े अच्छे, सबकी शक्ल अच्छी, सबकी हालत अच्छी, और वो अपने आप को अल्कोहलिक बोल रहे थे, मेरे को बात को एक कौड़ी नहीं पड़ती थी कि ये अल्कोहलिक कैसे हो सकते थे। जब वो अपनी कहानियां बताते थे तो मेरी कहानी के साथ में वो रिलेट करते थे, पर मैं नहीं माना, दो चार मीटिंग तो नहीं माना, दो चार मीटिंग के बाद मैंने दारू पीना कम कर दिया या थोड़े दिन बंद करके रखा। 2 नवंबर से लेके तो 31 दिसंबर तक मेरे को मीटिंग नहीं समझी, या मीटिंग क्या बताना चाहती है, क्या वन डे टाइम बता रही है, क्या एक दिन का आधार बता रही है, क्या बीमारी बता रही है, क्या रिकवरी बता रही, एक कौड़ी का नहीं समझ में आ रहा। पर 98 जनवरी 2 तारीख है, 1 तारीख है, 3 तारीख है, मालूम नहीं, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर के नाइट को 1.5 पैक पिया, और 1.5 पैक मेरे लिए एक ऊंट के मुंह में जीरा रखने जैसी काम था। और मैं घर आया, तो क्यों आया था 31 दिसंबर में, मैं क्यों चले गया था, तो मेरे एरिया में वो थोड़ा मेन रोड पर एक बहुत बड़ा उत्साह होता, वो 31 दिसंबर का बियर बारों में लाइटिंग, ये वो जरा आकर्षण का काम था। मैं बोला यार ये लोग दुनिया दारू पी रही है और मेरे को बोल रहे कि ये मत पियो, वन डे टाइम रखो, ये बीमारी है, ये सब बता रहे थे, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, दुनिया दारू पी रही है और मेरे को बोल रहे कि दारू मत पियो, मैंने माना नहीं और चले गया दारू पीने। और बाद में 98 जनवरी 1 तारीख है, 2 तारीख है, आज भी याद नहीं आती, 3 तारीख है याद नहीं आती, 1 जनवरी से मैंने शराब नहीं पी। 3 जनवरी को मैं मीटिंग गया, और वो मीटिंग में, जिस मीटिंग में मैं गया, और वहां मेरे को मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहां पे मेरे को दिखा, कि जो मेरे टक्कर का पीने वाला था, मेरे साथ में पीने वाला था, पैटिया 4 बजे एक मोवे के भट्टी पर, और वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक अच्छा 6.5 फीट का आदमी था, एक अच्छा उच्च शिक्षक था, शिक्षक था, नामी ग्रामी उसका अच्छे ट्यूशन चलते थे,
पर वो भी शराब पी पी के मेरे से भी बदतर हालत में था। और वो जिस शॉप में मैं जाप जाप करता था वहां पर वो आदमी, इतना 6.5 फीट का आदमी, इतना उच्च शिक्षित आदमी और अच्छा नामी टीचर, अच्छा नाम था उसका, अच्छे ट्यूशन क्लास चलते थे उसके, वो आदमी 7:30-8 बजे मालक के पास आके मेरे वाले 5 रुपए के लिए, 6.5 फीट का आदमी घुटने के बल आके वो 5 रुपए के लिए दोनों हाथ जोड़ के विनंती करता था मेरे मालक को। मेरा मालक भी, उसके बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते थे, तो नामी ग्रामी स्कूल थी वो, तो पढ़ते थे, तो मेरा मालक भी दे देता था 1-2-3 दिए नार में दे देता था। मेरे को लगता था ये आदमी इतना शराब क्यों पीता है यार। पर मैं भी बाद में कुछ सालों के बाद उसके रैंक में आ गया। वो एक ही, हम एक ही बस्ती में रहते थे, तो भट्टी में दुकानों में टकराता था। और मैं जब 98 को जब पहली मीटिंग किया, 2-3 तारीख हो सकती वो दिन, वो तारीख को उस आदमी का ग्रेटिट्यूड डे था 2 साल का। वो 2 साल से शराब से दूर था, और जो आदमी के अंदर में फिटनेस था शराब की दूरी के बाद, वो सारी चमक उसके दिख रही थी, उसके बॉडी में, उसके बोलने में, वो दिख रहा था। और उसने जब शेयरिंग की अपने बर्थडे की, उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता ना, तो तू क्यों नहीं। उस दिन से लेके तो आज तक, अभी तक मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो आदमी को देखने के बाद मेरे अंदर में जो आई, और मैं शराब से दूर होने लगा। पर मेरा थोड़ा सा फिजिकल मीटिंग में उन दिनों में मेरा इन्वॉल्वमेंट कम था। मेरा शनिवार बुधवार की मीटिंग होती थी उस वक्त हमारे पायनियर ग्रुप की, अभी भी होती, मैं वही मीटिंग दो जाता था। शराब से दूर हो गया था, मैंने एक दिन उस दिन मान लिया था कि मैं इस बीमारी के चपेट में आ गया था। मैंने मेरे अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया था उस दिन कि मैं बीमार हूं और मेरे को मीटिंग की गरज है। उस दिन से मैं मानने शुरू किया, और मैं बहुत दिन तक, यानी 1-2 साल तक नागपुर में, उस वक्त में 10-12 ग्रुप होंगे, मैं कभी कोई ग्रुप में नहीं गया। पायनियर ग्रुप के अलावा मैं कोई भी ग्रुप में नहीं गया, और मेरे पायनियर ग्रुप में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा कोई यानी जैसा आज के तारीख में लोग, अपन लोग किसी को फॉलोअप देते, मीटिंग लेके जाते, मीटिंग लेके आते, ऐसा कोई फॉलोअप नहीं था। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। 2 साल के बर्थडे के बाद मेरे को किसी आदमी ने बोला, भैया तुम आ तो रहे बहुत दिन से, पीछे बैठते हो चुपचाप। और जानबूझ के मैं 7:30 बजे जाता था, 7:30 बजे जानबूझ के जाता था, ताकि पर्सनल शेयरिंग और डिसीज की शेयरिंग खत्म हो जाए, और रिकवरी मेरे को देना। उनको समझ में नहीं आता कि ये नया आदमी, इसको क्या रिकवरी देना, क्योंकि मेरा ज्यादा पैसा नहीं थी, इसलिए देते नहीं थे। पर एक दिन एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि जब तक तेरे जिंदगी की कहानी यहाँ तक शेयर नहीं करेगा डायस पर आकर, तब तक यहाँ की जो चीजें है ना, जो तू सुन रहा है, वो तेरे दिमाग में और तेरे मन मस्तिष्क में जाएंगी नहीं। तू शराब से दूर रहेगा, सालों से शराब से दूर रहेगा, पर तेरे को इस कार्यक्रम नहीं समझेगा। तो बोला उसके लिए क्या करना पड़ता। तो उसने मेरे को बताया कि मीटिंग के साथ में लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, फेलोशिप में रहना पड़ेगा, कुछ मीटिंग में काम करना पड़ेगा, ग्रुप में कुछ काम करना पड़ेगा। उस दिन से मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में झोंक दिया। और जिस तरीके से ये बोलती थी कि जैसा आजकल लिखा हुआ आराधना, पूजा करना, प्रार्थना करना, किसी नए भाई को मदद करना, कहीं ना कहीं सेवा देना, ये मेरा वाला आराधना मैंने उसको मान लिया हूं, और उसके ऊपर में मैंने काम करना शुरू किया। और मैं धीरे 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 अपने शरीर को, मन को और आत्मा को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के
तत्व ध्यान पर झांकने लगा, उसको देखने लगा। जो आदमी का काम धंधा खत्म हो गया था ना, वो आदमी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नए सिरे से काम मिला। उसका कैसा मिला उसका एक कहानी, छोटी सी कहानी है। मैं उन दिनों में मेरे पास काम, मेरे को बोला जाता था कि ऐसे जगहों नहीं जाना जहाँ दारू मिलती, ऐसे दोस्तों से नहीं रहना उनके साथ जिनके साथ दारू पीते थे। तो मैं एक मंदिर है मेरे घर के थोड़ा सा 500 मीटर दूर पर, वहां पे जाके बैठ जाता था सुबह से शाम तक। तो कुछ तो भी वहां पे एक पेंटर रहता था, उसका रंग वंग घोल के देता था। रोज देखो 10-20 रुपए मेरे को शाम को दे देता था। वही 10-20 रुपए लेके मैं मीटिंग चले जाता। ऐसे अवस्था में एक वहां बाई आई और उसने मेरे को पूछी कि भैया मेरे को आपसे एक सामान बनाना है आपको, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, तुम मिल नहीं रहे घर पे। मैं बोला मैं ठीक, मैं अभी यहाँ बैठता हूँ, बोला थोड़ा दिन काम। और उसने बोली कि तुमको अगर वो काम करना है तो मेरे घर पे आओ, एडवांस लो और काम करो। पूरे मोहल्ले को मालूम था कि ये आदमी पैसे लेता काम नहीं करता, ये इसका आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं है, दुकान इसकी खत्म हो गई है। फिर भी वो भाई उस मंदिर के दरवाजे पर आते मेरे को बोलती है कि मेरा काम करो। और मैं आनंद फानंद में वहां से उठा, उसके घर गया और उसने मेरे को 1500 रुपए दी थी। और 1500 रुपए 100-100 के नोट मैंने बहुत काफी दिनों के बाद देखा होगा। 100-100 के नोट देखने के लिए मैं तरस गया था कभी, क्योंकि 2-2, 5-5 रुपए के लिए मैं दारू पीने के लिए लाले पड़ गए थे। वो व्यक्ति को 100-100 के 15 नोट देखने के बाद आंखों में चमक आई और एक आवाज आई वो जो मेरी खुद की बनी हुई थी कि नरेश इसमें से तुमने 50-100 रुपए की दारू पिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो एक अल्कोहलिक का माइंड, पर एक अंतरात्मा से दूसरी आवाज आई कि उस भाई का काम कर नरेश। और उस भाई का मैंने कैसा तभी काम किया, उसका सामान बनाया। और वो क्या मालूम 1500 रुपए मेरे लिए इतने बरकत ही थे कि मेरी नई सोब्रिटी में नया काम नया धंधा वापस खड़ा करने के लिए वो क्या बरकत ही पैसे थे मालूम नहीं, खड़ा हो गया, मेरी दुकानदारी चल पड़ी, मेरा काम धंधा चल पड़ा। और मेरा जितना पुराने जब काम धंधे जितना स्पीड से चलता था उससे ज्यादा स्पीड से चलने लगा। अब जैसा पैसा भी आ रहा, सोब्रिटी भी आ रही, ए में भी हूं और ये सब चले जा रहा था। पर एक अल्कोहलिक को यहाँ बार बार वार्न किया जाता है कि पैसे के पीछे मत भाग, ग्रैंडर सिटी में मत जा, बड़प्पन मत दिखा, जमीन पे चल। तो मेरे को वो कुछ जमा नहीं, क्यों कि मेरे पास मार्गदर्शक नहीं था। और मार्गदर्शक नहीं था इसलिए मैंने बहुत कुछ चीजें सेल्फ रन ड्राइव यानी अपने मर्जी से किया। सबसे पहले मैंने 99 में एक अच्छा शोरूम का स्कूटर खरीद लिया, जबकि मेरी पुरानी लेने की इच्छा थी। और जिस व्यक्ति ने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भेजा था, मेरे भाई का जो मित्र था, मैं उसके पास जाता था कि भैया मेरे को एक स्कूटर लेके दो लियो फाइनेंस से। वो बोलता तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए क्या? नहीं, तो नए कर्जे क्यों करता और क्यों अपने आप को मुसीबत में डालता? उसने बोला नहीं लेना स्कूटर, नहीं लिया। मैं तो उसका गुस्सा आया, साला अच्छी चीजें मैं उसको पूछने गया लेने के लिए और नहीं बोला उसने। उसको मन के अंदर मैं कल्कुली कितनी गाली दे सकता उतनी दिया, वापस आ गया, उसकी नहीं सुना। 6-7 महीने में साल भर में मैंने शोरूम का स्कूटर खरीद लिया। अब वो स्कूटर खरीदने के बाद स्कूटर इंस्टॉलमेंट से खरीदे, उस वक्त बाइक का और वो मोपेड का जमाना ही नहीं था, स्कूटर। अब स्कूटर खरीद लिए, स्कूटर के हफ्ते चालू हुए। कुछ दिन के बाद ऐसे कुछ 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उसके पास गया, जिस आदमी के ने मेरे को भेजा था। बोला भैया मेरा दुकानदारी अच्छी चल रही है, थोड़ी पैसे की तंगी जा रही है, तो
सीसी लिमिट दिला के दो बैंक से। वो आदमी ने मेरे को इतने जोर से चिल्लाया कि बाद में मैं उसके पास गया ही नहीं कभी कुछ भी चीज पूछने के लिए। वो आदमी अपनी जगह सही था पर मैं उस आदमी को गलत ठहरा रहा था। और मैं दूसरा सोर्स से दूसरा मैंने ताकत लगाया और एक नागपुर नागरिक बैंक में मेरा करंट अकाउंट था, उस करंट अकाउंट में के जरिए से एक सीसी लिमिट ले ली। सीसी लिमिट लेने के बाद सीसी लिमिट को कैसा वापरना चाहिए ये मेरे को अक्कल नहीं थी। मैंने वो सीसी लिमिट का मिस यूज किया। अब देखो बैंक का हफ्ते चालू है गाड़ी के, सीसी लिमिट के पैसे को मैंने अंगार लगा दिया सिर्फ दिखावे में। गारंटी सीसी में जो चीजें मेरे घर में अच्छी नहीं थी उसको बदल दिया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें किया जो चीजें मेरे को करना था और कर लिया। और वो जो जितना भी मैं सीसी लिमिट लिया उसका हर महीने ब्याज आ रहा था और वो कर्जा चुकाने के लिए दूसरे आदमी से कर्जा लेना था और उनको देना है, यानी कर्जे के पीछे कर्जा और कर्जे के लिए कर्जा फेरने के लिए कर्जा। इतना मैं देरशाना होशियार आदमी था और वो कर्जे का अंबार 2007 तक 90 तक आ गया। इसके बीच मेरे वो अतिरिक्त अफेयर हो गया, बाई औरत घर में है फिर भी एक अलग जिंदगी में बाई आ गई और बाई के नखरे बाई के चौने और वो उसका पूरा करना, एक बीवी पूरी नहीं कर सकता था दूसरी चालू है साथ में, जो ए बोलती है कि वो नहीं करना है मैंने नहीं सुना और मैं मस्त चला 2007-08 तक। और उस भाई के जिसके साथ मेरा अफेयर था उसके साथ मैंने उसके गले की चैन दिल तोले की ले लिया कि मेरे को काम है पैसे का किसी को चुकाना है अर्जेंसी में और मेरे को दे दे भाई चैन बाद में देखो 2-3 महीने में ला दूंगा। उसने दे दी, उसको मैंने गिरो रख दिया और वो एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और औरत जात तो मालूम है अगर अपने जात पर आई तो किसी की बात की नहीं सुनती। फिर वो उसने अपना वो की उग्र अवतार बताई और उस वक्त मैं बहुत पागल के जैसे कर रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। वो तो सीधा बोले मैं तेरे घर में आके तमाशे करूं, शराब नहीं पी रहा हूं, ये मैं आके नकाब लगा के मीटिंग आ रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हूँ, अच्छी गाड़ी लेके आ रहा हूँ और सिर्फ बड़प्पन और दिखावा और ये और वो सीधा चालू। एक मिनट क्या सारी चीजें चालू है अब क्या करना, बहुत परेशान था। फिर एक व्यक्ति को बताया मैंने, एक व्यक्ति मेरे को मिला जिस आदमी ने मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा तू करेगा पीछे चले रहेगा पीछे चले जाएगा, कोई आदमी का हाथ पकड़ किसी का मार्गदर्शन ले, एक मार्गदर्शक बनाए। मार्गदर्शक को सारी चीजें शेयर किया, ऐसी ऐसी अवस्था में हूँ आज के तक। और बोले वो देखो तुम उसको कैसा उसमें से निकल सकते है क्योंकि ये में सारी चीजों को मदद कर सकते, पैसे की मदद कोई नहीं करता। तो वो बहुत परेशान था तो एक दिन मैं अपने फाइलें निकाला तो मैंने एक प्लाट लिया था एकदम नई सोब्राइटी में 70-80 हजार रुपए का। तो वो प्लाट की रजिस्ट्री एग्रीमेंट टू सेल मिला हाथ में, मैंने बोला ठीक है। वो जिससे लिया तो उसके घर गया, उसको बोला भैया ये प्लाट बेचना है, उसने बोला इतने लाख ही मिलेंगे, बोला 1000 से 1 लाख मिल रहे काफी है। पूरा टोटल लगाया कितने लोगों के क्या क्या देना है, वो सारे लोगों के पैसे वापस करने के लिए वो मेरा प्लाट अच्छा प्लाट चले गया।
उनको क्या 7-8 लाख रुपए मिले थे उस वक्त, पर आज उसकी कीमत, आज के उस एरिया की कीमत, वो आज प्लाट वहां कम से कम 50 लाख रुपए के है वो प्लाट। आज आंसू आते आंखों में वो देखकर, वो एरिया देखकर, इतने अच्छा जगह पर चला गया। गलत सोच, गलत नीति, गलत थिंकिंग रखने के वजह से, किसी को नहीं पूछने के वजह से, मार्गदर्शन नहीं लेने के वजह से, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा, ये जो थिंकिंग थी मेरे अंदर में, मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने प्रताड़ना किया अपनी जिंदगी, बहुत जबरदस्त तरीके से। और वो बाद में मार्गदर्शक के साथ इससे वर्क किया। अब एक भाई का सवाल था, उसमें ये उत्तर शायद उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, पर शायद वो भाई के लिए उत्तर मिल सकता है। मैं ये में आके सुबर तो हो गया, पर इतना परेशानी चल रहा हूँ कि गलत सब चीजें करके रखा था, शराब नहीं पी रहा था, मुझसे बास नहीं आ रही थी, हरकतें सब दारू पीने के जैसी थी। मैं जब जब एक त्योहार आता था, उस त्योहार का एक एक भगवान मैं अपने घर में फोटो ला के रखता था दुकान में। अब बहुत सारे भगवान हो गए, बहुत सारे भगवान हो गए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम था कि शराब से मेरे को भगवान, कौन सा भगवान दूर रख रहा है, ये भगवान रख रहा, ये भगवान, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा, ये भगवान कर रहा कि ये भगवान कर रहा। और इस चीज में वो जो मेरा, जिसका मैंने स्पॉन्सरशिप लिया था पहले वाले से, उसके साथ मेरा कोई तालमेल बरबर जम नहीं रहा था। अब किसी कारणवश मैं क्यों तोड़ा, वो कारण यहाँ नहीं बताऊंगा ऑनलाइन मीटिंग में, उसके साथ मेरे संबंध मैंने खत्म कर दिया। नहीं नहीं, संबंध उसने नहीं खत्म किया, संबंध मेरे वजह से, उस मेरे बोलने के वजह से, मेरी रफ लैंग्वेज की वजह से, हार्ड भाषा में बोलने की लैंग्वेज से, वो एक दिन हमारे पायनियर ग्रुप की एनिवर्सरी थी, वो एनिवर्सरी उसके बारे में उन्होंने कुछ तो भी टिप्पणी की थी, तो मैंने वो टिप्पणी का जवाब दिया था उनको कि आज तक तुमने हमको बताया कि ए का कार्यक्रम कभी फेल नहीं होता, ए कभी के कार्यक्रम 100% सक्सेस रहते, और आज तुम बोल रहे कि ऐसी ऐसी बात हो रही करके। मैंने थोड़ा हार्ड भाषा में बोला हूँ, एनिवर्सरी खत्म होने के बाद उनके घर पे 4-5 जन हम लोग गए थे, तो वो वाक्य से वो सुबह सुबह आए और उन्होंने मुझको बोला कि आज से तुम मेरा स्पॉन्सर नहीं है। और मेरे पैर के नीचे की थोड़ी सी जमीन हिल गई थी, इसलिए ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि ये आदमी मेरे घर में आके मेरे को बोल रहा है, घर में भी नहीं है, मेरे को फोन किया 7 बजे, फलाने फलाने जगह पर आओ पान ठेले पर, हमसे अर्जेंट बात करनी है। बोला इतने सुबह क्यों आया, क्या हो गया? अब मार्गदर्शक था तो पूरा चले गया, तुरंत चले गया। उसने बोला आज से तुम मेरे स्पॉन्सर नहीं रहे। थोड़ा सा बहुत उस दिन बड़ा डिस्टर्ब था, और मेरे को अनेक समस्या आई, अनेक समस्या आई ए में आने के बाद, अनेक समस्या आई, पर मैं किसी भी समस्या का हल दारू में नहीं ढूंढा। वो हमेशा का हल मैंने कभी न के कदमों में ढूंढा, किसी ने किसी व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद में उसका सोल्यूशन मिला, उसके मार्ग मिला या उसके उत्तर मिला। ये सारी चीजें करते करते फिर अभी दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना है। दूसरा स्पॉन्सर ढूंढने के लिए मैं करीब करीब नागपुर के ओल्ड टाइमरों के पास, 5-6 ओल्ड टाइमरों के पास गए। चारों पांचों ने मेरा हाथ नहीं बोला, उन्होंने कि नहीं भैया तेरे को नहीं रख सकते हम, तेरे पास पहला स्पॉन्सर था, वो क्यों गया क्या गया हमको नहीं मालूम, नहीं कर सकते रख सकते। आज मेरे पास वो जो स्पॉन्सर है वो बरस, यानी जिस दिन से नया स्पॉन्सर मैं जो किया, उस स्पॉन्सर ने बड़ा सीधा हार्ड भाषा में नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं करूंगा, बोले आज का 2 दिन तक और विचार कर, बोले कि मेरे को स्पॉन्सर करना है क्या। मैं बोला हाँ करना है, नहीं बोले आज नहीं बोलता, 2 दिन के बाद आना। और 2 दिन के बाद मैंने वो स्पॉन्सर किया, उसने बोला हाँ ठीक है मैं देखो स्टेप वर्क कराऊंगा। और पहला दूसरा कदम मैं वो था स्पॉन्सर ने, वो स्पॉन्सर को मैंने पूछा जो सेकंड मेरा स्पॉन्सर था कि ये मैं, ये भगवान इतने सारे मेरे पास है, इसमें से कौन सा भगवान मेरे को मदद करता। और जैसा भैया का सवाल था, मेरे समाज का भगवान कौन उसमें से,
तो उसने मेरे को उत्तर बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर दिया। वो उत्तर मेरे लिए बहुत सटीक था। बोले देखो, ये जितने सारे भगवान होंगे बोले तेरे पास, उसमें से एक भगवान को चुन, एक भगवान, उसके हाथ में पूरा विश्वास से उस पर विश्वास करो बोले, उसके ऊपर पूरा विश्वास से, उसी के ऊपर एक विश्वास करेंगे। जैसा हमारा दूसरा कदम बोलता ना कि हमने विश्वास किया हमारे उच्च शक्ति पर, को विश्वास उस उच्च शक्ति पे करो जो जिसको तुम अंतरात्मा से मानने को तैयार हो। बाकी के भगवान है उसको बाजू में रखो, पर उसमें से एक को चुनो। तो मैं बोला ठीक है, कि मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ उसी धर्म के भगवान को मैंने अपने आप को उसको उच्च शक्ति माना, उसको मेरे समझ का भगवान माना। आज भी मैं उस भगवान के सामने में, भले मेरी लेंथ ऑफ सोबरिटी 25 साल की हो या कुछ भी हो, आज भी बगैर उनके पास में माथा टेके घर के बाहर नहीं निकलता मैं। बगैर उसको शराब की दूरी मांगकर, शराब की शक्ति मांग, दूरी की शक्ति मांगकर, वो अगरबत्ती मोमबत्ती लगा कर ही मैं बाहर निकलता हूँ। वो आज मेरी उच्च शक्ति है। जो कुछ भी होता है मैं उनके पास ही मेरी आराधना, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी उच्च शक्ति के पास ही मैं जाके करता हूँ। और उसी के हाथ में मैंने अपना तीसरे कदम के तहत अपना जीवन सौंप दिया। मेरे जीवन की लाइफ टर्न कैसे करना, कैसा ये में चलना, कैसा मेरे को सारी चीजें मैं उनके हाथ में दे दी। और ये मेरा परीक्षा का भी समय है, ये मेरा परीक्षा का भी समय है। मैंने जब उसके हाथ में लाइफ दे दिया, अपना जीवन दे दिया कि भगवान तू मेरी जिंदगी को चला सकता है, जो तू तेरे इधर से जो आवाज आएंगी, अब भगवान नहीं बोलने वाला है। हमारे यहाँ पे एक बार बहुत बार लोग शेयरिंग करते हैं, अपने कान खुले रखो ईश्वर बोलता है। तो ईश्वर कहाँ बोलता है, तो ये मीटिंग हॉल में एक दो प्रार्थना के बीच, जो बीच में जो शेयरिंग होती है चालू होती, तब हमारे यहाँ पास मीटिंग हॉल में हमारे साथ में ईश्वर रहता है। और हमारी मीटिंग जब खत्म होती है, हम जब प्रार्थना करते हैं वापस मीटिंग समाप्ति की, उसके दोनों के बीच में जो भगवान की आवाज अपने अनुभव से लोग शेयर करते, वहां से आवाज आती है भगवान की। पर उसको मैं कितना मान्य करता हूँ, कितने मेरे जिंदगी में अप्लाई करता हूँ, मैं कितनी अपने आप को उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो मेरे पर छोड़ा हुआ है। कोई भगवान आके मेरे को नहीं बोलने वाला है, आकाशवाणी होने वाली नहीं है कि नरेश रुक जा तेरे को याद धोखा है, नहीं, ये मेरे को खुद को देखना पड़ेगा। मेरे को जीते जागते जो लोग हैं जिनको मेरे कोई समस्या आई थी उनके सामने मैं शेयर करूंगा, वो बताएंगे। तो ये मेरे को उच्च शक्ति की, मेरे समझ की भगवान की, और मेरा भगवान कौन मेरा हो सकता है, वो मेरे को डिसाइड करना है। ये नहीं देती किसी को भगवान, ये नहीं बोलती कि तेरा धर्म कुंता है, जात कुंती है, कुंता क्या है, तू नहीं, कोई नहीं बोलता, ये नहीं बोलती। ये बोलती है कि तेरे समझ का ईश्वर जिसको तेरे पर फेथ है वो तेरा भगवान। अनेक जात के, अनेक 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 जाति पाति के लोग हैं, पर मीटिंग में हम एक उच्च शक्ति बोलते हैं ताकि हमारा विवाद विवाद ना हो। उच्च शक्ति की मदद से हम आज शराब से दूर हैं। वो उच्च शक्ति की ताकत, पहला दूसरा कदम जिस आदमी ने लिया, तीसरा कदम जिस आदमी का मजबूत है, वो आदमी के हाथ में दारू नहीं आ सकती है, ऐसा मेरा आज तक का मानना है। आज तक, कल नहीं मालूम, कल नहीं बता सकता। एक उदाहरण बताता हूं, मेरे को तीसरा कदम जिस दिन समझा उसका कारण उदाहरण बताता हूं। मैं 2003 में मेरे को लड़का हुआ, एक और पहला लड़का था मेरा 6 साल का, तो 2003 में मेरे को और एक लड़का हुआ। वो लड़का हुआ सवा महीने के बाद उसका नामकरण किया, और जिस दिन सवा महीने का नामकरण जिस दिन किया, वो उसका लड़के का नाम भी मेरे एक ही मित्र ने दिया है कि उसका नाम भी ऐसा ऐसा ही रखना करके,
तीन शब्दों का होना चाहिए, इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट में तीन शब्दों का होना चाहिए। बहुत सारे ए मेंबर्स, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, और एक नई जिंदगी के अंदर में एक आदमी लड़का हुआ और खुशी का सेलिब्रेशन, उसका नामकरण हो रहा, बहुत सारे लोग आए। उसी रात को 12 बजे उस लड़के की तबीयत खराब, उसको उसी रात को 12 बजे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती किया। जैसा लेके गए तो उसने बोला एडमिट करो, एडमिट कर दिया। सुबह डॉक्टर आया 10:30-11 बजे, और बड़ा डॉक्टर आया। वो बड़ा डॉक्टर ने उसको चेक किया तो उसने एकदम उसने अपना डाउट बताया, डाउट कि ये लड़के के दिल में छेद है, ऐसा मेरा डाउट है। पर इसका एक तेरे को टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट कराने के लिए यहाँ नहीं होता, बाहर से कराना पड़ेगा। उसने नागपुर में एक लोकमत चौक है, उस चौक से आगे में वहाँ बहुत सारे दवाखाने हॉस्पिटल से, वहां जाके टेस्ट करा के लाना पड़े। उसी वक्त मैंने बच्चे को लिया, मेरी बीवी को लिया, उस 1.25 महीने वाली डिलीवरी वाली बाई, 1.25 महीने का बच्चा, शेयरिंग वाला ऑटो, और लेके गया। और वो चौक से लेके तो 500 मीटर दूर पे अंदर में था, वो टेस्ट का नाम बताया जो डॉक्टर का। 500 मीटर में जब बच्चे को हाथ ले में लेकर मैं भगवान से बात कर रहा हूँ कि भगवान तूने मेरे को ए में तो भेजा, तूने मेरे को शराब की धुरी दी, तूने मेरे को काम धंधा दिया, तूने मेरे को सोबरिटी दी, इतनी तकलीफें क्यों? वो बात करते करते दवाखाना पहुंचा, उसको टेस्टिंग कराया, बोले वो टेस्टिंग करके बच्चे को लिया, फिर मैं हॉस्पिटल के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रख दिया। और नीचे में एक ओल्ड टाइमर था, उसको मैंने बताया कि यार भैया क्या इसको कितने भी पैसे लगे, कुछ भी लगे, कुछ भी क्या ताकत लगती बताओ, मैं सब करूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा राजनीति से भी था, है थोड़ा सा। तो मैं बोला क्या लगता, किसी की पहचान लगती, क्या करना है बताओ, पैसा लगेगा तो बताओ। वो आदमी हंसा और उसने उनको बोला कि तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है, बोले। तो मैं बोला यार ये बच्चे की तबीयत, तीसरा कदम से क्या लेना देना है, नहीं बोले। तेरा पैसा, तेरा पावर, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, बोले। उसने चार बात बहुत सॉलिड बोली, वो चार बात आज भी मेरे दिमाग में रहती है कि देख ये बच्चा भगवान की देन है, भगवान ने तेरे जिंदगी में उसको देख रेख करने को दिया है। अगर ये उसकी वस्तु है, उसने तेरे पास देख रेख करने खड़ा, उसके मन में आएगा तो तेरे पास ये बच्चा रहेगा, उसके मन में नहीं आएगा तो वो लेके जा सकता है, ये उसकी है। पर तू अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में दे रहा है, पर बाद में अपने हाथ में ले ले रहा है, तेरा ये वीक पॉइंट है, बोले। तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है। मतलब करूँ क्या, बता दो भाई करूँ क्या? तो बोले प्रार्थना कर, भगवान किसी का भी बुरा नहीं करता। और बोले सिर्फ इतना ध्यान रखना कि तेरे पैर डगमगाना चाहिए। फिर मेरे को कंफ्यूज आया कि मेरे को पैर डगमगाना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? नहीं बोले अभी तू जा, सिर्फ इतना करना बोले कि कोई गलत डिसीजन मत लेना, तेरे पैर मत डगमगा, है ना। उसका एक मतलब था कुछ भी हुआ डिसीजन आएगा भगवान का, उसमें तेरे पैर डगमगाना चाहिए, मतलब तू कहीं गलत दारू की तरफ मत जाना, ऐसा उसका इंटेंशन था। मैं 2 दिन की बात थी रिपोर्ट आने की, 2 दिन तक भगवान से प्रार्थना कर रहा, एक ही प्रार्थना कर रहा, मीटिंग जा रहा, पर मेरा ध्यान उधर ही है, क्या आएगा। तो ईश्वर दयालु है, ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनी, और वो भगवान के हाथ में मैंने छोड़ दिया वो बच्चे, और भगवान ने मेरी बात सुनी, भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, और वो रिपोर्ट नहीं लाई, नेगेटिव आई, नहीं था। तब मेरे को समझ में आया कि भगवान को ऊपर छोड़ देने से सारी चीजें ठीक हो सकती है, मेरे मन मर्जी से ठीक नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता,
मेरे हाथ में नहीं है, इसके वजह से मैं धीरे धीरे इसमें चल सका। मेरे को बाद में बताया मेरे स्पॉन्सर ने कि तेरे को हो गया, तेरे सब ठीक हो गया, अब तू चौथा कदम पे चले जा। तेरे अंदर में जरा बहुत सारी इचल बिचल है, चौथा कदम मैंने बहुत किस किस के पर खुन्नस है, क्या मेरी सेक्स की नहीं एंट्री है। मैं बहुत अल्कोहलिज्म में बहुत विचित्र आदमी था, मैं नागपुर के सट्टा बाजार, जुआ, रेड लाइट एरिया, ये सब करा हुआ आदमी, सब करा हुआ आदमी। मेरे को नागपुर के जितना सट्टा बाजार थे, बड़े बड़े दुकान, मैंने वहां पे जाके सब कुछ करा हुआ। नागपुर के रेड लाइट एरिया में मेरे लिए कोई मेरे लिए बहुत आम बात नहीं थी, सब कुछ किया। पर ये में आने के बाद ये सब चीजें मैंने बंद कर दिया, और चौथा कदम लिखने के बाद मैंने बिल्कुल, आज मैं अपनी बीवी के साथ, मैं अपने साथ प्रामाणिक हूँ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ प्रामाणिक हूँ। मेरा चौथा पांचवा कदम जो जब मैंने लिखा ना, सब अनेक घटना परिस्थिति थी, बहुत सारी चीजें है मेरे अंदर में। जब मैंने मैरिज बोला, मैंने एक मार दो टुकड़े किया, उसकी चैन जिस दिन लाके दिया उस दिन से उसकी चैन वापस किया, और उसी दिन से उसका रिश्ता तोड़ा। आसान नहीं है, दारू छोड़ना आसान है, भाई छोड़ना आसान नहीं है, पर एक एक कदमों में बहुत ताकत है, एक एक कदमों में बहुत ताकत है, एक एक कदम में वो जान है कि वो आदमी को भी, मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने फिर उस दिन से लेके तो आज तक मैं ना जुआ खेला, लॉटरी खेला, सट्टा नहीं खेला, बाइक के चक्कर से निकला, आज मैं बहुत बढ़िया जिंदगी, जो जिंदगी जीने की जो राह है, वो जिंदगी जो है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। पांचवे कदम पर मैंने अपने स्पॉन्सर के पास सारे चीजें कपड़े उतारा हूँ, मैं कोई चीज नहीं छुपाता। आज भी मेरे स्पॉन्सर के साथ में दिन में से दो बार बात होती है, चार पांच हफ्ते में एक आधी बार मेरा उनके घर जाना होता, आज ही मैं उनके घर से जाकर आया। उन्होंने आज मेरे को बहुत सारा लिटरेचर दिया, उनके घर में इतना लिटरेचर है था, उन्होंने चार पांच छह आदमी को अलग अलग करके ऐसी बांट दी है, बोले ये नरेश तेरे काम की है, ये उसके काम की है, ऐसा करते करते दो गट्ठे बनाया। मेरा एक मित्र है, उसको दे देना ये वाला गट्ठा और ये गट्ठा तू लेके जा, और इसको कौन सी चीजें कहाँ थे, उनको कब पढ़ना है, करके उन्होंने ऐसे बताया। ऐसे जो लिटरेचर किसी के हाथ में नहीं दिखेगा कभी, वो लिटरेचर उनके पास है। वो मेरा स्पॉन्सर के पास में तीनों चीज का नॉलेज है, सर्विस का बहुत बढ़िया नॉलेज है, रिकवरी में आज वो 34-35 साल से सोबर है। वो सारी चीजें मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके पास कभी कदमों के बारे में, कोई भी चीज की समस्या के बारे में, उनके पास सारा जवाब तैयार रहता, शर्त है कि मैं जाता हूँ कि नहीं उनके पास, शायद स्पॉन्सर के पास मेरे को मिलते हैं। जब फोन पे भी बात करते हैं तो आज एक ही बात कम करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, तो सारे में कोई समस्या रही तो उस पर बात करते। आज सारी चीजें एक दोस्त के जैसी है मेरे, उन्होंने आज मेरे को स्पॉन्सरशिप से भी हटा दिया, स्पॉन्सरशिप से भी आज दोनों बोले तेरा दुख मैं सुनूंगा, मेरी समस्या तू सुनेगा, हम दोनों एक दोस्त है। बोला अब स्पॉन्सरशिप तेरी, अभी तेरी सोबराइटी 25 साल की होते आ रही, हम मेरी कोई समस्या रही तो तू बताएगा। ये दायरा आने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैंने बहुत सेवाएं दी है, मैं आज भी सेवा देता हूँ। ये नहीं दूंगा ना तो मैं दूर नहीं रहूंगा शराब से। आज शराब से मेरे बहुत सारे लोगों को फॉलोअप देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैसेज देने जाता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरग्रुप का चेयरमैन रहा, पीआई कमेटी चेयरमैन रहा, ए में मैंने बहुत सारी सेवाएं दी। अभी मैं पिछले किसी कारणवश से ये लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से के समय से मैं अपने ग्रुप से थोड़ा सा दूर हो गया, फिर थोड़ा बाजू हो गया, पर अभी बीच में फिर ऐसा लगता है कि ग्रुप में मेरे को जाना पड़ेगा। यानी मैं ग्रुप मीटिंगें करता हूँ सातों दिन, कहीं ना कहीं मीटिंग जाता ही जाता हूँ, मेरे को पास टाइम है इसलिए जाता हूँ। तो ये मीटिंग में जाने से, किसी की मदद करने से, किसी को टाइम देने से,
मेरे को रोज फोन आते हैं, 2-4-5 लोगों के रोज फोन आते हैं। तो मेरे को जो मिला अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो बांटने का काम करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आदान प्रदान का ही समय है। मैं जब दुखी था किसी ने मदद किया, आज मैं वेल सेटल हूँ, बढ़िया दुकानदारी चल रही है, बड़ा काम चल रहा। अब दुनिया में कितने साल का भी शोभा आदमी है उसको तकलीफ नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। तकलीफें तो एक संसार का नियम है, एक जाएंगी तो दूसरी आएंगी, दूसरी जाएंगी तो तीसरी आएंगी, पर उसका मैं कभी भी, मेरे ऊपर बहुत अनेक घटना परिस्थिति बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई है, वो सारे समस्याओं को मैं अपने सर पे नहीं रखा, वो भगवान के हाथ में दे दिया। मैंने अपने अंदर का मैल जो है वो सब बाहर निकाला, तब जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अच्छी चीज मेरे को सुनने मिलती, अच्छी चीज बोलने की मिलती, और एक कदमों पे बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। मैंने बहुत सारे लोगों को जाके, घरों में जाके लोगों को माफी मांगा, किसी ने जब पैसे वापस करने गया तो किसी ने वापस मेरे हाथ में पैसे फेंक के मारे, किसी ने पैसे लिया नहीं कि हमको ब्याज सही चाहिए, किसी ने बोला अभी इतने दिन से क्यों देखो होश आया, इतने दिनों से तू कहाँ था, मिल क्यों नहीं रहा था। बहुत सारे जिल्लत किल्लत, लोगों की बेइज्जती और ये अपमान जनक बुरी बुरी अपमान बुरे मेरे को तरीके से उन्होंने प्रताड़ना की, पर मैं हला नहीं जगह से, मेरी जमीन नहीं हिलने दिया। जिसने लिया उसको दिया, जिसने कुछ डिमांड किया भैया कि मेरे को अतिरिक्त पैसे चाहिए, अतिरिक्त करके दिया। किसी ने बोला कि चल बाबा तू अच्छी जिंदगी जी रहा, ये पैसे तेरे पास ही रख और अच्छे से जिंदगी जी। कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ आड़े टेढ़े भी लोग मिले, कुछ लोग अच्छे भी मिले। किसी ने जिसके ज्यादा पैसे थे थोड़े थोड़े करके दे देता, करके बोला दे दे। पर मैंने आज मेरे पर कोई किसी का ज्यादा कर्जा नहीं है, ना मेरे बिजनेस का कर्जा नहीं है, मैंने कोई बैंक से लोन नहीं लिया। पहले से मैं बैंक करप्ट आदमी हूँ, मैं कई वो बैंकों के से मैं फोरक्लोज किया हूँ, उसके उदाहरण बताने के लिए कभी एक आधी बार बीच में कभी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। पर बैंकों का कैसा कैसा कर्जे लेने से, कैसा लेते हो कैसा अच्छा लगता है, देते हो क्या लगता, मैंने बहुत अच्छे से देखा हूँ। पर मैं आज भी किसी से कर्जा, बैंक वालों के फोन आते भैया हमारे को लोन लो, नहीं बाबा नहीं लेना है, आज वो लोन का मेरे को जानता हूँ। इसलिए टाइम हो गया है, 2 मिनट ज्यादा हो गए, 2 मिनट और ले लेता, 5 मिनट की दूरी के लिए मेरे को माफ कर देना। एक उदाहरण बता के बता दे, खत्म कर देता। मैंने HSBC का एक करके बैंक आया था उन दिनों में, मैं HSBC से 40,000 रुपए का लोन लिया और 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में उन्होंने मेरे को बोला 2,000 के लगेंगे। उस वक्त कैसे आधार कार्ड भी नहीं था, सिर्फ अपना पैन कार्ड और इलेक्ट्रिक बिल दे दो, लोन मिल जाता था। प्राइवेट लोन कितने परसेंट से दे रहा, लेने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं देता पूछने का, बस पैसे मिलने से मतलब रहता। मैंने लिया और 13 महीने बहुत अच्छे से ईमानदारी से मैंने इंस्टॉलमेंट भरा। और एक अल्कोहलिक के माइंड में रहता कि 13 महीने भरा तो 26,000 रुपए जमा हो गए, 40,000 का लोन था, ब्याज व्याज काट के कितना बचेगा उतना पैसे दे देता और खत्म कर देता बैंक का खत्म। मैंने वो बैंक के में गया, उसको पूछा मेरा लोन ये नाम से है, कितना बैलेंस है बताओ। उसने खट से वो 2 बटन दबाई, मेरा नाम आया, मेरा स्टेटमेंट आया कि आप 13 महीने इंस्टॉलमेंट भरे, हो कितना बैलेंस वो बताओ। जो बैलेंस बताई उसने, मेरे पैर के नीचे की जमीन ही खसक गई, 39,500 बाकी है। अरे बाबा, मैंने 40,000 लोन लिया, 13,000 रुपए भरा, 26,000 रुपए भरा 13 से, तो 39,500 पैसे। तो उसने मेरे को समझा के बता दी कि आपने 40 बोले, बोला हाँ हमारा इंटरेस्ट इतना है, इससे हमने मल्टीप्लाई किए तुम्हारी जितनी इंस्टॉलमेंट है, आखिरी इंस्टॉलमेंट तक सेम ब्याज रहेगा, कोई रिड्यूसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और वो ब्याज कितना था, 27% था, कोई नहीं। वहां से मैं बैंकरप्ट हुआ, 4 बैंकों से मैं लोन लिया था, 4 में से 2 को मैं फोरक्लोज किया। फोरक्लोज भी करना यानी बैंक में बैंकरप्ट के जैसे ही माना जाता है वो, तुमको तुमने उसको कोई एनओसी नहीं देते तुमको। तो ऐसे ही बहुत जिंदगी मैंने झेला हूँ और आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ।
आज भी मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है, मेरी लेंथ ऑफ सोबरिटी कोई मायना नहीं रखती 25 साल की, मेरे को 24 घंटे की शराब की दूरी चाहिए, 24 घंटे करके ही मैं आज 25 साल कर सकता, और बीच में और आगे तुम्हारे साथ रहना है तो मीटिंग में जुड़े रहना पड़ेगा, आप लोगों की सुनना पड़ेगा, मेरी को बोलना पड़ेगा, मेरे अंदर से जब तक मैं अपने अनुभव मैं निकालूंगा नहीं तो मेरे अंदर में दफन रहेंगे, तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसको किसी का यूज नहीं होगा, किसी के यूज हो या ना हो, पर तेरे दिमाग से चीजें निकलना चाहिए, अच्छी बुरी जो भी है निकलेंगी तो अच्छी नई चीजें जाएंगी। थैंक यू।